इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 10.2.1 पास्कल लॉ की। द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल ऑब्जर्व दैट द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम एट ऑल पॉइंट इफ दे आर एट द सेम हाइट। ठीक है, तो ब्लेज पास्कल के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स हैं सेम हाइट पे, ठीक है, सेम हाइट पे फ्लूइड में जो जितने भी पॉइंट है इन पे प्रेशर सेम होगा और फ्लूइड रेस्ट में, ओके, फ्लूइड रेस्ट में अगर तो जितने भी पॉइंट सेम हाइट पे है उन पे प्रेशर सेम होगा। ठीक है, दिस फैक्ट मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ सिंपल वे। इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं हम, देखते हैं। फिगर 10.2 शोज एन एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ अ फ्लूइड एट रेस्ट। तो एक रेस्ट पे फ्लूइड रेस्ट पे उस पे इंटीरियर में हमने एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ये ध्यान रखना फ्लूइड रेस्ट पे। ओके, दिस एलिमेंट ए बी सी डी एफ इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल प्रिज्म। ठीक है, तो एलिमेंट हमारा क्या है, एक राइट एंगल प्रिज्म की फॉर्म में ए बी सी डी ई एफ, ये रहा हमारा एलिमेंट प्रिज्मेटिक राइट एंगल प्रिज्म। ओके, इन प्रिंसिपल दिस प्रिज्मेटिक एलिमेंट इज वेरी स्मॉल सो दैट एवरी पार्ट ऑफ इट कैन बी कंसिडर्ड एट द सेम डेप्थ फ्रॉम द लिक्विड सर्फेस एंड देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी इज द सेम एट ऑल दिस पॉइंट। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस एलिमेंट को, प्रिज्मेटिक एलिमेंट को बहुत बहुत छोटा मान सकते हैं। ठीक है, इतना छोटा कि जो जितने भी पॉइंट्स होंगे इस प्रिज्मेटिक एलिमेंट पे वो सरफेस ऑफ वाटर से सेम डेप्थ पे होंगे। ठीक है, सेम डेप्थ पे होंगे, इतना छोटा मान सकते हैं। समझने के लिए हमने इतना बड़ा दिखाया इसको। ठीक है, ओके, नाउ इसके बाद बट फॉर क्लैरिटी वी हैव इनलार्ज दिस एलिमेंट। ओके, तो क्लैरिटी के लिए हमने इसको बड़ा बनाया ताकि हम इसको समझ सकें। द फोर्सेज ऑन दिस एलिमेंट आर दोज एग्जर्टेड बाय द रेस्ट ऑफ द फ्लूइड एंड दे मस्ट बी नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द एलिमेंट एज डिस्कस अबव। ओके, और जो फोर्सेज लग रहे हैं फ्लूइड की वजह से इस एलिमेंट पे वो नॉर्मल होंगे सर्फेस से। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो लिक्विड है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, इसमें एलिमेंट की बात की है, नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करेगा सर्फेस पे। ओके, नाउ डज द फ्लूइड एग्जर्ट प्रेशर पी ए पी बी एंड पी सी ऑन दिस एलिमेंट ऑफ एरिया corresponding to the normal forces FA, FB, FC are shown in figure on the faces BFC, ADFC, ADEF, EB denoted by AB and AC respectively. Okay, तो देखो इस वाले फेस में ADEB फेस में कितना फोर्स लग रहा है, FC फोर्स लग रहा है, नॉर्मल होगा इस एरिया के, ठीक है, सरफेस के नॉर्मल फोर्स लगेगा। ओके, फ्लूइड नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। एफ बी पे, सॉरी, इस ए डी एफ सी, ठीक है, इसका नाम हमने ए बी ए डी बी सी का नाम क्या दिया है, सबसे पहले एलिमेंट का, ठीक है, जो सबसे पहले एरिया बी एफ सी का हमने ए नाम दिया, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो नीचे वाला है ना इसका नाम ए दिया है यहाँ पर, इसके बाद ए डी ई बी का ए बी और इस वाले का डी एफ सी ए का ए सी, ठीक है, ये एरिया हो गया और इस पर फोर्स एफ सी लग रहा है नॉर्मल, एफ बी और ये एफ ए, ठीक है। ओके, अब देखो आगे, देन एफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी, एफ बी कॉस थीटा टू एफ ए। ओके, देखो तो ये एफ बी को हम क्या कर सकते हैं, इसके एलिमेंट बना सकते हैं, थीटा हम ये मान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सो नाउ ये हो जाएगा कितना, ये वाला कॉम्पोनेंट एफ बी कॉस थीटा, ओके, और ये वाला एफ बी साइन थीटा। ओके, अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो एफ सी एफ बी कॉस साइन थीटा को बैलेंस करेगा, ठीक है, एफ सी और एफ बी साइन थीटा एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला एफ ए ऊपर की तरफ है और हमने देखा ना अभी एफ बी कॉस थीटा नीचे की तरफ, ठीक है, तो एफ ए और एफ बी कॉस थीटा एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ओके, और एफ बी कॉस थीटा, सॉरी, एफ बी साइन थीटा एफ सी को बैलेंस करेगा यानी इक्वल होंगे, वही लिखा है यहाँ पर, एफ बी साइन थीटा इक्वल टू एफ सी और एफ बी कॉस थीटा इक्वल टू एफ ए बाय इक्विलिब्रियम। सिमिलरली एफ ए बी साइन थीटा ए सी के बराबर होगा और ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए के बराबर होगा ना, तो हमने अभी देखा ए बी कौन सा लिया था हमने, ए बी ए डी एफ सी वाला, ए डी एफ सी वाला ना, ओके, तो ए डी एफ सी ये वाला ना, ये वाला लिया, सॉरी, ए बी, इसका भी हम सिमिलरली कर सकते हैं ना, सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक एरिया का कंपोनेंट ये, एक ये वाला कौन सा होगा, ए बी, ये वाला हो जाएगा साइन थीटा और ये वाला ए ए ए बी कॉस थीटा, ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा ये वाला ए सी के बराबर और ए बी साइन थीटा ए के बराबर है, नीचे वाला ए था, ठीक है, ये है ना, यहाँ पर देख सकते हो आप, ए बी साइन थीटा ए सी के बराबर है
और ए बी कॉस थीटा हमारा ए के बराबर। ओके तो पहली दो इक्वेशन को हमने डिवाइड किया एफ बी अपॉन ए बी, साइन थीटा कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा एफ बी अपॉन ए बी एफ सी अपॉन ए सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, यहाँ से एफ बी अपॉन ए बी एफ ए अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये तीनों एफ बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी और एफ ए अपॉन ए इक्वल आ जाएंगे। ओके, और हमें पता है ना फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, तो यहाँ से आ जाएगा पी बी प्रेशर, दिस प्रेशर, ठीक है, प्रेशर एट बी पॉइंट, प्रेशर एट सी पॉइंट एंड प्रेशर एट डी पॉइंट। ठीक है, तो ये तीनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे। हेंस प्रेशर एग्जर्टेड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, तो प्रेशर हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा सेम डेप्थ के लिए। ओके, देखो यहाँ पर ये अलग अलग डायरेक्शन में प्रेशर था और ये इक्वल है जब फ्लूइड रेस्ट में। ओके, नाउ इसके बाद इट अगेन रिमाइंड अस दैट लाइक अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, नो डायरेक्शन कैन बी असाइन टू इट, इसको हम कोई भी डायरेक्शन असाइन नहीं कर सकते। द फोर्स अगेंस्ट एनी एरिया विद इन अ फ्लूइड एट रेस्ट एंड अंडर प्रेशर इज नॉर्मल टू द एरिया। ठीक है, तो जो फोर्स होगा, देखो इस एरिया के लिए, इसमें देखते हैं, इस एरिया के लिए जो फोर्स था वो इधर हो गया, इस एरिया के नॉर्मल हो गया। ठीक है, इस एरिया के नॉर्मल होगा फोर्स, इस एरिया के नॉर्मल होगा। ठीक है, इसलिए हम कोई भी डायरेक्शन में असाइन नहीं कर पा रहे, फोर्स हमेशा नॉर्मल है तो प्रेशर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। ओके, अलग अलग पॉइंट पे हम देख रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन है फोर्स की। ओके, सो प्रेशर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। ओके, सो नाउ एंड प्रेशर इज अंडर नॉर्मल टू द एरिया रिगार्डलेस ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया, हमेशा एरिया के नॉर्मल लगेगा प्रेशर। ओके, नाउ कंसिडर अ फ्लूड एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ओके, तो हम एक, जैसे कि हमने अभी प्रिज्मेटिक राइट एंगल प्रिज्म कंसिडर किया एलिमेंट, वैसे ही हम क्या फ्लूड एलिमेंट एक हॉरिजॉन्टल बार कंसिडर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बार ने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल बार कंसिडर कर सकते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का, ऐसा एलिमेंट हमने कंसिडर किया। ओके, द हॉरिजॉन्टल फोर्सेज एग्जर्टेड एट इट टू एंड मस्ट बी बैलेंस और द प्रेशर एट द टू एंड शुड बी इक्वल। ठीक है, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल एंड में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड में जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, या फोर्सेज जो लग रहे हैं वो बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड क्या है, रेस्ट पे। ठीक है, तो जब जितने भी जो भी फोर्स लग रहे हैं इसके एंड में वो बैलेंस होने चाहिए। ओके, नाउ ओके, सपोज द प्रेशर वर नॉट इक्वल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड देन देयर वुड बी अ फ्लो एज द फ्लूइड विल हैव सम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, है ना। तो प्रेशर इक्वल नहीं है या फिर अनबैलेंस फोर्स है, तो उस केस में तो क्या होगा, नेट फोर्स लग रहा है और फ्लूइड फ्लो करेगा, बट हमने देखा ना हमारा जो फ्लूइड है वो रेस्ट में, यानी कि डेफिनेटली उस पर, इस पर क्या होना चाहिए, इसके जो हॉरिजॉन्टल एंड्स है इसके एंड्स में जो प्रेशर है वो सेम होना चाहिए। ओके, फोर्स बैलेंस होनी चाहिए। हैंस इन द एब्सेंस ऑफ फ्लो द प्रेशर इन द फ्लूइड मस्ट बी सेम एवरीवेयर, और फोर्स सेम होना चाहिए सेम डेप्थ के लिए। विंड इज़ द फ्लो ऑफ एयर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, विंड फ्लो ही क्यों करती है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है, या फिर हमारा फ्लूइड रेस्ट में, यानी कि प्रेशर डिफरेंस नहीं है, सेम प्रेशर है, कॉन्स्टेंट प्रेशर है सेम डेप्थ के लिए। ओके, तो हमने समझा इस पास्कल लॉ को, ठीक है, कि सेम डेप्थ के लिए जो प्रेशर है हर एक पॉइंट पर वो इक्वल है। ओके,